एक तो जो ये इन्होंने किया है ना क्लास फोर में जो किए, सरकार आते इनको क्लास सी में डालेंगे, बी की जगह सी में डालेंगे योग्यता के अनुसार से। और जो बच्चा एमए होगा, पोस्ट ग्रेजुएट होगा, उसको या तो हम रोजगार देंगे, और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा 10,000 रुपया माहवार देंगे उसको, ताकि वो स्नान चपड़ा पानी पिलाता ना फिर। एक बात बताओ मेरे को, अगर इंजीनियरिंग और एमए करके बच्चे को चपरासी लगाना है तो कौन सा ऐसा माँ बाप है जो कोई अपने पेट काट के बच्चे को इंजीनियरिंग कराएगा? वो दसवीं के बाद कहते बेटा तब चपरासी लगना छोड़, पेट काट के पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो ये दूसरा जो बीए होगा लड़का, उसको या तो रोजगार देंगे, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा 7,000 रुपया माहवार देंगे। ये बेरोजगारों के हम करने वाले हैं। फिर अपने स्कीम चलाई थी दाल रोटी की, गरीब आदमी को सस्ता मिले, अनाज भी मिलता था, चीनी भी मिलती थी 3 किलो 2 किलो, और चीनी भी घटा दी इन्होंने, दाल रोटी में घपला कर दिया, वो स्कीम भी खत्म कर दी। अब देने आटा, वो जैसा बताया रामकिशन ने, रद्दी आटा, उसमें बड़ा भारी भ्रष्टाचार है, हमारी सरकार से पहले भी था आटे में भ्रष्टाचार, हमने बंद कराया, इनने फिर शुरू कर दिया, क्योंकि देखते कमाई का साधन देखते कहां पर है। तो हम ऐसा नहीं काम करेंगे, हम तो भाई 2 रुपए किलो चावल गरीब आदमी, और 2 रुपए किलो गेहूं देंगे, आटा बनवाओ अपने आप, ये जिसमें कीड़े लगे हुए वो आटा देके लोग मारने का काम करेंगे। इसी प्रकार से जो बच्चों की वजीफा, शेड्यूल कास्ट के बच्चों का वजीफा हमने शुरू किया था, हरियाणा में सबसे पहले पहली जमात से करते थे, लेकिन इन्होंने उसमें घोटाला कर दिया और स्कीम गड़बड़ा गए। तो भाई आपके जो हमारी सरकार बनेगी, तो जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं पहली जमात में सरकारी स्कूल में दाखिल होते पहली से 10वीं तक जो है उनको 12,000 रुपए साल के देंगे, और 10वीं से 12वीं तक 15,000 रुपए साल के देंगे। क्या है, 5 साल से एक ही प्रचार कर रहे हैं कि वे सफाई कर्मचारी नहीं, स्वच्छ हरियाणा ही कह रहे हैं, और सफाई कर्मचारियों को पक्का भी नहीं कर रहे। आपको याद होगा कि हमने पहले शुरुआत की थी, एक कलम से 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए थे मैंने, 11,000। तब का सरकार आएगी तो एक कलम से 50,000 लगाएंगे 35,000 गांवों में 15,000 शहरों में, ताकि हम स्वच्छ रह सके और गरीब आदमी का भी गुजारा हो सके। जहां तक कर्मचारियों का सवाल है, पहले भी हमने फैसला किया था, इस सरकार ने पलट किया, पंजाब के समान वेतन मान तो देंगे।